दोस्तों, क्या आप व्हाट्सएप यूज करते हैं? नेचुरल सी बात है, जरूर यूज करते होंगे। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप बहुत ज्यादा फेमस है। मगर क्या आपको मालूम है कि इस व्हाट्सएप पर अभी अभी एक नया ऐसा स्कैम आया है जो आपकी जेब पर कैंची चला सकता है और उसे पूरा पूरा साफ कर सकता है। साथियों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं दिलीप बावरिया। आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूं, यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो शायद आप उससे वंचित रह जाएंगे और हो सकता है कि आप इस लूट खसोट का शिकार भी हो जाएं। तो साथियों, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हां, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें और आप मेरे वीडियो देखते रहें। तो साथियों, बिना देर किए चलिए देखते हैं कि आखिर यह स्कैम क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। साथियों, एक नया व्हाट्सएप स्कैम सामने आया है जिसका नाम readyrock.com है। यह स्कैम पिछले कुछ दिनों से इस पॉपुलर स्टैंड मैसेजिंग ऐप पर घूम रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जालसाज इस स्कैम के जरिए यूजर्स के बैंक और कार्ड डिटेल्स जैसी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी चुराने का काम कर रहे हैं। यह न सिर्फ आपके एंड्रॉइड और iOS स्मार्टफोन संक्रमित कर सकता है बल्कि आपके विंडोज PC में भी घुस सकता है। अब यह तो पता नहीं कि स्कैम की शुरुआत कब हुई, लेकिन CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बड़ी संख्या में व्हाट्सएप यूजर्स को प्रभावित किया जा रहा है। स्कैम में यूजर्स को महंगी गिफ्ट का लालच देकर झांसे में लिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जालसाज यूजर्स को व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजते हैं। लिंक पर क्लिक करने से वेबसाइट ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि सर्वे भरने से आप उपहार जीत सकते हैं, ऐसा आपको लालच दिया जाता है। यूजर्स द्वारा सवालों के जवाब देने के बाद उन्हें एक वेबसाइट पर भेज दिया जाता है। यहां उन्हें नाम, उम्र, पता, बैंक अकाउंट व अन्य व्यक्तिगत डेटा समेत अपनी कुछ जानकारी जैसे भरने के लिए कहा जाता है। एक बार जब पूरी जानकारी भरने के बाद यह डेटा जालसाजों तक पहुंच जाता है, इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्कैमर्स इस डेटा का इस्तेमाल लेन देन या अन्य अवैध गतिविधियों के लिए करते हैं। स्कैमर्स यूजर्स के डिवाइस में अनचाहे एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके एंड्रॉइड iOS पर भी काफी खतरनाक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आप यदि इससे बचना चाहते हैं तो ऐसे किसी भी अनचाहे एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें या फिर ऐसे किसी भी लालच देने वाले मैसेज पर भरोसा हरगिज ना करें। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी फायदेमंद भी साबित होगा। तो साथियों, आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।